Om Shanti, a very warm welcome to all of you. Can you hear me? क्या आप सब मुझे सुन सकते हैं? Yes, Paisi, Om Shanti. Okay, wonderful. So, अगर आप मेरे को सुन सकते हैं तो हम आज का सत्र स्टार्ट करते हैं. जैसे जैसे पार्टिसिपेंट्स ज्वाइन करते जाएंगे एंड हम अपने सेशंस को आगे लेते जाएंगे. टाइम बहुत ही इम्पोर्टेंट है, डिसिप्लिन के हिसाब से चलेंगे हम. और सबसे पहले परमपिता परमात्मा, गॉड फादर, अल्लाह कहें, जिहोवा कहें उनको, ये सुप्रीम लाइट कहें या मेटाफिजिकल एनर्जी कहें उनको या क्वांटम फील्ड कहें, जो भी कहें आप उनको अपने ही भाषा में, उनको हम याद करें, धन्यवाद करें इस सेशन के लिए. और साथ ही साथ हम बोलें थैंक यू सामने पड़े हुए लैपटॉप को, थैंक यू सो मच इलेक्ट्रिसिटी को, थैंक यू सो मच हम सब जितने भी यहाँ पर आए हुए हैं, भाई बहन, सीनियर्स, बच्चे जो भी आए हैं डिफरेंट एज ग्रुप्स के, उन सबको बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने आज इस सत्र में आकर के चार चांद लगाने की कोशिश करी. आपके थॉट्स भी हमारे साथ मिले और हम इस सैटरडे के सेशंस को और ही जगमग बनाएं, क्योंकि ये सैटरडे के जो सेशंस हैं ये स्पेशली सिर्फ आपके लिए नहीं है, ये हमारे लिए भी हैं. बिकॉज हर डे हम लर्निंग करते हैं, अपने बारे में बहुत कुछ जानने की कोशिश करते हैं, पहचानने की कोशिश करते हैं कि हमारे अंदर क्या अच्छा है क्या बुरा है. और कहते हैं कि गुरु तभी बन सकता है इंसान जब तक उसको स्टूडेंट्स ना हो, और जब स्टूडेंट्स होते हैं तो हम गुरु बनते हैं, और हम पहले स्टूडेंट्स खुद बनते हैं. तो आज हम जो आए हैं आपके सामने, हम सब के सब स्टूडेंट्स हैं, आपके दोनों स्पीकर्स भी स्टूडेंट्स हैं. इसके पहले कि वो आपको कुछ इम्पार्ट करें, हम आपसे भी सीखने के लिए आए हैं और अपने आप से भी सीखने के लिए और परमात्मा से सीखने के लिए आए हैं. तो आज के सत्र में हम मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो हमने सेल्फ हीलिंग का, ये जो हमने सेल्फ हीलिंग राजयोग मेडिटेशन का जो हमने शीर्ष रखा है, इसका मेन कारण है कि आज जो तनाव बढ़ रहा है पूरी दुनिया में, आपने अगर देखा है वीडियो जो इंट्रोडक्शन का, जो तनाव बढ़ रहा है, लोगों के घर में अशांति है. हम कहते हैं कि इंसान के मन बुद्धि में आज शैतान है या रावण है. दशहरा तो हमने मना लिया लेकिन रावण को भी जला लिया, लेकिन अंदर के शैतान को हमने अभी तक खत्म नहीं किया है. तो शैतान को खत्म कैसे करें जो कि हमें दुखी बना रहा है, उसको हम सीखने के लिए आज आए हुए हैं यहाँ पर. और ये सैटरडे के सेशंस आपको एवरी डे फुल ऑफ मेडिटेशन होंगे, ताकि आप बेसिक मेडिटेशन सीख पाएं और चैलेंजिंग टाइम्स में कैसे अपने मन को, अपने बुद्धि को एकाग्र करके राइट डिसीजंस बना पाएं. बिकॉज आप जानते हैं कि डिसीजंस जब तक ठीक नहीं बनेंगे हमारी लाइफ में, हमारे कर्मास रॉन्ग होते जाएंगे और उसका प्रकोप हमारे ऊपर ही आएगा. तो मेन चीज है हम अपने कर्मों को बिल्कुल क्लीन एंड क्लियर करें थ्रू द पावर ऑफ मेडिटेशन. तो आज हमारे साथ में जो स्पीकर्स हैं वो आपके साथ में मेडिटेशन के बारे में शेयर करेंगे एंड कैसे इस मेडिटेशन को अपने लाइफ में इनकॉर्पोरेट कर पाए सिंपल तरीके से, ताकि आप इस बेनिफिट को सिर्फ अपने लिए नहीं लेकिन अपने फैमिली मेंबर्स तक और अपने फ्रेंड्स तक भी पहुंचा पाए. आपको ये सत्र अच्छा लगे तो आप नेक्स्ट सैटरडे भी ज्वाइन कर सकते हैं और अपने और फ्रेंड्स एंड फैमिली मेंबर्स को भी ज्वाइन करा सकते हैं इसमें. तो बिना टाइम लिए हुए आज हमारे जो मेन स्पीकर हैं, जो हमारे फर्स्ट स्पीकर हैं, मैं उनके बारे में कुछ कहना चाहूंगा. उनसे मेरा ताल्लुक कुछ ही दिन पहले हुआ है, लेकिन हम आध्यात्म के हिसाब से कहते हैं हमारे कई जन्मों का ताल्लुक होता है एक सोल कॉन्शियस लेवल पर देखा जाए तो. तो सिस्टर जो हमारे साथ में आज हैं, सीनियर सिस्टर हैं, बीके नेहा बहन जी, एंड आपको बहुत बहुत स्वागत. नेहा बहन जी पिछले 30 साल से फाइनेंस एंड अकाउंटिंग में काम कर रही हैं कंपनी में इन मुंबई. वो तो उनके शारीरिक हिसाब से उनका परिचय हो गया, लेकिन उन्होंने अपने आध्यात्मिक फील्ड में भी बहुत ज्यादा उन्नति करी है. उन्होंने अपने आध्यात्मिक फील्ड में पॉजिटिव थॉट्स के ऊपर एक किताब लिखी हुई है और उस किताब का नाम शिव रेज है. एंड उसमें लिखा गया है लाइट ऑफ डिविनिटी विद इन को कैसे हम पहचाने, एंड उसको अलग अलग शीर्षकों में भी उसके बारे में लिखा है, उसको हिंदी में भी बोला गया है, लिखा गया है, साथ साथ इंग्लिश में भी. और ये लॉन्च हुई थी इसी साल में फरवरी के महीने में, और इसके कारण उनको वर्ल्ड रिकॉर्ड इन एशिया एंड इंडिया दिया गया है इस बुक के हिसाब से.
और साथ ही साथ उनको स्पिरिचुअल राइटर का भी अवार्ड दिया गया है. तो शिव नेहा बहन जी, आपको बहुत बहुत स्वागत है इस सेशन में आने के लिए. एंड आप एक टीम बिल्डिंग, स्ट्रेस फ्री लाइफ, पॉजिटिव थिंकिंग और साथ साथ मेमोरी पावर, मैनेजमेंट, वुमेन एम्पावरमेंट, जो कि बहुत ही जबरदस्त टॉपिक है, आज पूरे विश्व भर में चल रहा है कि वुमेन को कैसे एम्पावर किया जाए, एंड स्पिरिचुअल सिग्निफिकेंस ऑफ ऑल फेस्टिवल्स, ये भी सारे राज आपको पता है. आज हमारा धनतेरस का भी फेस्टिवल जैसे मनाया जा रहा है, तो इसके भी राज बहुत सारे हैं, जो कि अगर आपको एक दो मिनट मिले तो आप उसके बारे में शेयर करिएगा जरूर. एंड साथ साथ क्रिएटिव मेडिटेशंस. सो बिना वक्त लिए हुए आप ये सारी चीजों का लाभ उठाएं और हम आगे बढ़ते हैं. शिव नेहा बहन जी, आप इस सत्र को आगे लेके चलें. काइंडली अनम्यूट योरसेल्फ सिस्टर. ओम शांति. ओम शांति. थैंक यू ब्रदर, आपका आपने जो इतना अच्छा मेरा इंट्रोडक्शन दिया. एंड मैं चाहती हूँ कि आज जितने भी लोग जुड़े हैं हमारे साथ में, आज का ये दिन आपके लिए यादगार हो और यादगार बना रहे, वो मैं कोशिश करना चाहूंगी. अभी ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते, हम सीधे आज के हमारे सेशन की शुरुआत करते हैं. जैसे भाई जी ने कहा कि आज धनतेरस का दिन है, सो धनतेरस के दिन में हमेशा क्या दिखाया जाता है कि लक्ष्मी देवी का स्टैचू दिखाया जाता है और उनके हाथ से कॉइन्स फ्लो हो रहे हैं, ऐसे दिखाया जाता है. तो कहते हैं कि धन और लक्ष्मी इज अ फ्लोइंग एनर्जी, जितना आप उनको फ्लो करने देंगे उतना वो आपके पास आएगी. अगर आप आपके पर्स को भर के रखेंगे तो लक्ष्मी को पता है, धन को पता है कि आपके पास ऑलरेडी बहुत सारा है, तो वो अपना रास्ता और कहाँ ले लेगी. इसी तरह हमारे जीवन में भी, हमारे बॉडी में जो एनर्जी है, वो एनर्जी भी इसी तरह, अगर वो एनर्जी को हम फ्लोइंग रखें तो ये एनर्जी हमें बहुत ही ऊपर पहुंचा सकती है. अगर एनर्जी को हम ब्लॉक कर देते हैं हमारे थॉट से, तो वो एनर्जी आगे काम नहीं कर सकती. दर्शक मित्रों, जो भी सुन रहे हैं, देख रहे हैं, मैं आपसे एक क्वेश्चन करना चाहती हूँ कि अगर आपको एक ड्राइंग पेपर दिया जाए और आपको कहा जाए कि इसमें अपने लाइफ को डिफाइन करिए, तो आप कैसे डिफाइन करेंगे? एनी थॉट? फुल लाइफ पसंद है या बोरिंग सी लाइफ पसंद है? वंडरफुल लाइफ है ना. Yes. अगर आपको प्लेन पेपर कोई दे और साथ में दो कलरफुल पेपर देंगे, तो व्हाट यू विल चूज? आई चूज कलरफुल वन. सो दिस कलरफुल जो आप चूज करते हैं, दैट आर योर इमोशंस जो आपके अंदर चल रहे हैं, है ना. Okay. आज का जो सेल्फ हीलिंग मेडिटेशन का ये जो सत्र है, उसमें हम थोड़ी सी बात आज डिप्रेशन के बारे में करना चाहते हैं. अच्छा, मुझे बताइए कि डिप्रेशन वर्ड अच्छा है कि इम्प्रेशन वर्ड अच्छा है? इम्प्रेशन राइट. प्रेशर वर्ड अच्छा है कि प्लेजर वर्ड अच्छा है? प्लेजर. सो जब भी हमें ये वर्ड्स पसंद है, यू आर गिविंग मी द गुड आंसर्स. गुड आंसर्स आप दे रहे हो कि इम्प्रेशन, प्लेजर, बट इन अवर लाइफ हम लोग क्या यूज करते हैं? कभी हमने सोचा नहीं है, है ना. आज मैंने आपको क्वेश्चन पूछा तो यू गेव मी अ गुड आंसर, बट जब भी आपके लाइफ का कोई पूछेंगे कि आज आपको कैसा फील हो रहा है, सो व्हाट यू विल से? How do you feel today?
How would you today feel? I'm feeling happy, but yeah. Most of the days it's depressed. It is depressed. So depressed is a choice? Depressed is a choice? No. No. But you have a choice, right? You can always say, I'm happy. Can you say that? I'm always happy? No. No. Okay. By end of this session, you will learn how to say that I'm always happy. एक छोटी सी मैं स्टोरी सुनाती हूँ. आज तक हमने देखा, जो बड़े बुजुर्गों ने भी शायद ज्वाइन किया है हमारे सेशन को, आज से इफ वी सी द लाइन, यू नो, 100 इयर्स बैक जब हमारे पेरेंट्स ग्रैंड पेरेंट्स थे, तो क्या वो लोग लाइफ में ऐसे ही फ्री बैठे रहते थे या देवर बिजी? बिजी. देवर बिजी, राइट? आर देवर नॉट वर्किंग? वो काम नहीं करते थे? करते थे. इनफैक्ट yes. उनके टाइम में ये मॉडर्नाइजेशन नहीं था, घर में खुद काम करते थे. खाना भी बनाना है, कपड़े भी धोने हैं, बर्तन भी धोने हैं, बच्चों को स्कूल में भी ले जाना है, उनके चोटी भी बनानी है लड़कियों की, राइट? नो हेल्पर, नो हेल्पर, एंड देवर स्टिल हैप्पी, राइट? यस. अगर आप देखे, आपके जो पेरेंट्स है, ग्रैंड पेरेंट्स है, कभी भी आपने उनसे सुना कि आई एम डिप्रेस्ड, आई एम सैड, मेरा मूड ऑफ है? एनीवन? नहीं. सो व्हाई वी आर सेइंग दैट आई एम डिप्रेस्ड, मेरे को प्रेशर है, मेरे को स्ट्रेस है, व्हाई? व्हेन वी हैव All the modernization among us, हमारे आजू बाजू में surrounded है, right? तो हम क्यों ऐसे कहते हैं कि I am depressed, मुझे pressure है? Let's just think this in a term of a meditation. मैं आपको कुछ thoughts दूंगी, just try to visualize, okay? अपने बचपन के दिन में जाइए. देखिए, आपका स्माइलिंग चेहरा, उछल कूद करना, स्कूल में जाना, फ्रेंड्स को हग करना, कभी कभी टीचर्स की मार भी खा लेना, But all the time, see your faces, kitne smiling hai. Everybody, aapko aapke faces smiling lage? Yes, ma'am. Yes, right? Yes, ma'am. So, ye bachpan kahan gum ho gaya? Kehte hai ke bachpan mein bhi bachpan chahiye. है ना, जो बुजुर्ग है उनको भी आप देखो, दे आर ऑलवेज स्माइलिंग, हाँ, जबकि उनके पास वो मॉडर्न टेक्नोलॉजी नहीं है, उतना मॉडर्नाइजेशन में वो जिए नहीं है, लेकिन दे हैव लर्न टू लीव लाइफ हैप्पीली. है ना, रोज मॉर्निंग में जब भी हम उठते हैं, सो हम हमारे वार्डरोब में कपड़े चूज करते हैं या कपड़ा ऑटोमेटिक अपने पास आ जाता है? चूज. वी चूज, राइट? एंड देन चूज करने के बाद हम वो कपड़े पहनते हैं एंड मिरर में अपने आप को देखते हैं कि हाउ वी लुक, राइट? जो हम देखते हैं दैट इज द आउटर बॉडी, जो हम देखते हैं. अनफॉर्चुनेटली कोई भी साइंटिस्ट ने वो मिरर आज तक नहीं बनाया कि जिससे हम हमारे मेंटल स्टेटस को चेक कर सके एंड हम पूछ सके कि हेलो, हाउ आर यू. है ना, ऐसा आज तक किसी ने इन्वेंशन नहीं किया है. सेकेंडली,
जैसे प्रेशर कुकर हर एक के घर में है ना, प्रेशर कुकर जिसमें हम बॉईल करते हैं चीजें, सो वो प्रेशर कुकर में जब वो प्रेशर आता है तो वो सीटी बच जाती है। पर हमारी लाइफ में जब प्रेशर आता है तो उसका कोई भी ऐसा पैरामीटर आज तक नहीं आया कि सीटी बजे और हमें पता चले कि आपका मेंटल प्रेशर हाई हो गया है। और आप सबको लगता है कि डिप्रेस रहना, स्ट्रेस रहना, प्रेशर में रहना, ये अबनॉर्मल है? एनीबडी फील्स लाइक दैट? या इट इज अबनॉर्मल, इट इज अबनॉर्मल। ओके, अच्छा, तो इसको हम सुलझाते हैं कि वेदर इट इज नॉर्मल या अबनॉर्मल। हम जब हमको कोई हर्ट कर लेता है सो हमारी आंखों से आंसू आने लगते हैं, तो आंसू आना नॉर्मल है या अबनॉर्मल है? That's normal. But आंसू क्यों आए? Because you are hurt. और जब भी आप hurt की feeling आपको आई, जब भी वो आंसू emotions बाहर आए, that means के you are healing yourself. It is a normal thing. कोई hurt करता है, आंखों से आंसू आना नॉर्मल है, इट इज अ लाइफ। लाइफ में प्रेशर आना, स्ट्रेस आना, इट्स अ नॉर्मल थिंग, कोई भी अबनॉर्मल थिंग नहीं है। जब प्रेशर आता है तभी यू आर ग्रोइंग योर सेल्फ, यू आर हीलिंग योर सेल्फ। जब आप प्रेशर आता है, आप जब भी उनसे डील करते हो, यू आर हीलिंग योर सेल्फ, राइट? एग्री? यस मैम। या नाउ हीलिंग, बट वी आर स्पॉइलिंग आवर सेल्फ एक्चुअली। हाउ आर वी हीलिंग इफ वी आर क्राइंग एंड डिप्रेशन एंड ऑल योर थिंग्स, इट्स नॉर्मल, सो एक्चुअली वी आर स्पॉइलिंग आवर हेल्थ। Healing कैसा हो गया? We are not spoiling our health. If we don't cry at that point when we are hurt, we are holding back our emotions inside. So the tension or the hurt will convert into stress, and then that stress will convert into depression. So the what I am trying to say, okay, if you are hurt, there is nothing wrong to cry. There is nothing wrong to share your feelings to others that I am hurt. The person who are hurting you, you can always tell that person ke because of you I am feeling hurt. That will release your pressure. Okay. I agree. So you take it out. Okay, right. Most of the time hum log kya karte hai jeevan mein, कि जब भी हमारी आजू बाजू जो परिस्थितियां आती है तभी हमें लगता है कि अरे ये मैं किसी को ऐसे बताऊंगी तो इट इज नॉट गुड थिंग, लोग क्या सोचेंगे, लोग क्या कहेंगे। हमको हमारे बारे में सोचना है, लोग क्या कहेंगे उसके पहले मेरा क्या होगा, मेरे घर वालों का क्या होगा, दैट थॉट वी हैव टू क्रिएट। आज कोई भी छोटा स्कूल का बच्चा है, उसको स्कूल में जाना है तो उसको भी स्ट्रेस है। हम जब भी बच्चे थे हमारे पास इतनी सारी हैवी स्कूल बैग्स नहीं थी जो आज के बच्चों के पास है। आज ट्रेन पकड़ना है, फ्लाइट लेना है, कुछ भी करना है, हर एक को स्ट्रेस आता है, हर एक को टेंशन आता है, ये नॉर्मल है। ओनली थिंग वी मेक इट अबनॉर्मल जब भी हम ऐसा सोचते हैं कि मेरे को बहुत टेंशन हो रही है, फिर हम वापस किसी को फोन करके बोलते हैं कि अरे मैं ऐसा हो गया, ये हो गया, वो हो गया,
मुझे बहुत स्ट्रेस है. सो व्हाट वी आर ट्राइंग टू डू, हमको जो पेन हुआ है, हमारे पास जो पेन है, वो पेन को हम ओवरराइट कर रहे हैं. एग्जाम्पल, अगर हमें यहाँ पर चोट लग गई है, चाकू से चोट लगी, ड्रॉप ब्लड्स के आ रहे हैं, अभी वो चोट लग गई, अभी वो चोट के ऊपर हम मलहम लगाएंगे या उसके ऊपर नमक लगाएंगे? What we will do? मलम will मलम लगाएंगे. तो यही चीज है कि जब भी हम मरम लगाएंगे तो वो चीज हील होगी, लेकिन जब भी हम एक को, दो को, तीन को, हमारा पेन जब भी अलग रीति से सुनाते हैं, पेन को फील कर करके, तो तभी हमारा वो पेन और बढ़ जाता है. तो इसके लिए हमें हमारे थॉट्स के ऊपर कंट्रोल करना है, हमारे थॉट्स को चेंज करना है. When we are working, when we are doing some activity, या हमारा कोई आजू बाजू कुछ चल रहा है, तो तभी हमें थोड़ी देर के लिए उस जगह से और कोई जगह पर जाना है. Everybody like dancing? मैं एक इजी टिप्स देती हूँ. Everybody likes dancing? I do. I believe that सबको डांस तो पसंद ही होगा, या गाना गाना पसंद है. जब भी बहुत प्रॉब्लम आ रही है, जब भी ऐसा लगे कि सिचुएशन मेरे को डिप्रेस कर रही है, मेरे को प्रेशर लग रहा है, आई एम फीलिंग स्ट्रेस्ड, जस्ट गो टू द बाथरूम एंड डांस. गो टू द बाथरूम, सिंग, यू रिलीज योर प्रेशर, एंड दिस इज द बेस्ट वे ऑफ डूइंग इट. आज हम कुछ हीलिंग एक्सरसाइज करेंगे जो हमारी बॉडी को चार्ज करेगी, और वो चार्जिंग की एक्टिविटी से हमारे बॉडी पार्ट्स को जब भी हम चार्ज करेंगे, इट विल डेफिनेटली गिव यू रिलीफ. ओके, सो हम क्या करेंगे, दो हाथ को ज्वाइंट करेंगे, दिस टू हैंड्स, एंड वी विल रब. Right? Two hands, you have to rub it. Correct? जब भी आप रब कर रहे हो, do you feel any energy? Do you feel anything? Something is there? Yes. Right. Just put it on your knee. Just put it on your knee. And feel this energy. Right? Right. आपका छोटा मोटा कोई भी pain होगा, है ना, दैट विल स्लोली गो अवे. सो वी विल डू अ सिंपल स्मॉल मेडिटेशन ऑन दिस बॉडी हीलिंग. ओके, सो जस्ट टेक अ सिट, अलर्ट हो जाए, अपने पोस्चर्स को स्ट्रेट कर ले, बैक को स्ट्रेट करे, एंड just be with me on the journey. Just see yourself. एक समुंदर के किनारे अपने को देखिए. आपके आगे बहुत ही अच्छा बीच है, साफ पानी, पंछी उड़ रहे हैं, पानी की लहरें आ रही है, जा रही है. बहुत ही सुकून भरा वातावरण. टेक अ डीप ब्रीथ, और इसी डीप ब्रीदिंग के साथ जस्ट फील द एनर्जी इन योर फुट, पाँव में इस एनर्जी को फील करिए. आपके पैर और पैर की उंगलियां एकदम रिलैक्स हो रही है, रिलैक्स हो रही है, रिलैक्स.
इस एनर्जी को अपने घुटनों में महसूस करिए, अपने घुटने भी रिलैक्स रिलैक्स रिलैक्स। इस एनर्जी को अपने शोल्डर पर महसूस करिए, आपके शोल्डर भी रिलैक्स रिलैक्स। अब ये दो हाथ को रब करेंगे और अपने आंख के ऊपर कप बनाएंगे एंड यू फील योर आईज आर रिलैक्स रिलैक्स रिलैक्स। How all are feeling? Relaxed. Relaxed. So this we can, this technique हम दिन भर में बहुत बार यूज कर सकते हैं। जब भी ऐसा लगे कि पैर दुख रहा है, you know, shoulder pain हो रहा है, so just rub your hand and put it there and just say relax, relax and relax. Second thing, every time there is a pain in your body, always say thank you. आपने इतने साल मुझे साथ दिया, you are my best friend. So जब भी ये thought हम लाते हैं, so जो pain है, that will convert into pleasure. और जब भी हमारे मन को, हमारा मन pleasure में convert हो जाएगा, तो डेफिनेटली हमारी बॉडी भी प्लेजर में कन्वर्ट हो जाएगी। साथ में एक लास्ट पॉइंट आई वुड लाइक टू ऐड, बीच मैं हमेशा ये प्रैक्टिस करती हूँ कि आप जो भी ग्लास या बॉटल जिसमें आप पानी पीते हो उसके ऊपर एक स्टिकर लगा दीजिए, लिखकर आई एम पीसफुल सोल, आई एम पीसफुल सोल। सो वो ग्लास के ऊपर एक स्टिकर लगाइए। कप जो चाय, क्योंकि हम मैक्सिमम पानी पीते हैं और ज्यादा से ज्यादा हम चाय पीते हैं, सो वेन एवर वी आर टेकिंग एनीथिंग इन, खास करके पानी से शुरुआत करें, चाय से शुरुआत करें, और उसमें वो कप या ग्लास पे लिख दीजिए आई एम अ पीसफुल सोल। और जितनी बार आप वो पानी पी रहे हैं या जितनी बार चाय पी रहे हैं, फर्स्ट यू रीड दैट आई एम पीसफुल सोल एंड देन ड्रिंक द वाटर, देन ड्रिंक द टी। इसका फायदा ये होगा, जितनी बार आप ये पानी पिएंगे, चाय पिएंगे, आप हमेशा व्हाट यू आर टेकिंग इन, आई एम अ पीसफुल सोल, आई एम अ पीसफुल सोल, आई एम अ पीसफुल सोल। तो आपका स्ट्रेस पीस में कन्वर्ट हो जाएगा, आपका टेंशन पीस में कन्वर्ट हो जाएगा, आपका स्ट्रेस पीस में कन्वर्ट हो जाएगा एंड देयर इज नो स्पेस फॉर डिप्रेशन। यू विल ऑलवेज इम्प्रेस पीपल, यू विल ऑलवेज इम्प्रेस योर सेल्फ and you will always have pleasure of having and living this life. Om Shanti. Om Shanti, very nice. Om Shanti, sister. Shanti. Om Shanti. Om Shanti. Om Shanti. Om Shanti. Om Shanti, sister. Thank you so much. And आपने जो सेशन लिया उसमें सिंपल सी चीज समझ आ रही है कि डिप्रेशन इज नॉट अ नॉर्मल थिंग फॉर अस, ये कोई एक नॉर्मल चीज नहीं जिसको आज हमने नॉर्मल समझ लिया है। तो मैं यही कहना चाहूंगा सारे दर्शकों को कि
सेशन 30 मिनट्स का था. दीदी ज्ञान की सागर के बच्चे हैं, परमात्मा के बच्चे हैं. इतना ज्ञान उन्होंने लिया हुआ है जो कि 30 मिनट्स में निचोड़ करके उन्होंने आपको बताने की कोशिश करी. लेकिन मैं समझता हूँ बहुत कुछ दीदी शेयर करना चाह रही होंगी आपके साथ में जो इस सेशन में कर नहीं पाई हैं. हम दीदी को फिर से और सेशंस में लाएंगे. कितने लोग हैं यहाँ पर जो कि थम्स अप देंगे दीदी को और सेशंस में सुनना चाहेंगे? काइंडली गिव योर थम्स अप इन द चैट. वंडरफुल वंडरफुल, थम्स अप्स आर ऑलरेडी कमिंग. थैंक यू सो मच, थम्स अप कमिंग. एंड दीदी जी थैंक यू सो मच, आप आए, आपने इतनी इंपॉर्टेंट बातें हमें समझाई. एंड यस, हीलिंग का मैं खुद भी एक राजयोगा प्रैक्टिशनर एंड योगा प्रैक्टिशनर हूँ. तो सबसे ज्यादा हमारे सेंसेशंस हमारे हाथों में रहते हैं और उसके द्वारा हमारे जो फीलिंग सेंटर्स जो हैं, हम एज अ सोल, आपने कहा ना जैसे कि आई एम अ पीसफुल सोल, तो हम जो सोल जो एनर्जी है हम अपने जो वाइब्रेशंस को अपने हाथों के थ्रू भेज सकते हैं. जैसे कि देवी देवताओं को हाथ ऐसे करके दिखाते हैं, मूर्ति में खड़े होते हैं और हाथ बाहर की तरफ आशीर्वाद देते हुए. तो रेकी भी बताता है कि यहाँ पाम के चक्रास से भी एनर्जीज निकलती हैं. तो हम किसी भी पेन को कम कर सकते हैं विद अ थॉट. सिर्फ ये नहीं कि हाथ रख दिया और हो गया. जैसे दीदी ने कहा कि आप बिल्कुल ठीक हो गए हैं, बिल्कुल ठीक हो गए हैं, बिल्कुल ठीक हो गए, आपने बहुत मेहनत करी, इतने सालों से आपने मुझे सपोर्ट किया है, चाहे घुटने को बोले, चाहे टांग को बोले, चाहे पीठ को बोले. Those are beautiful lessons. Thank you so much. अगर मैं इनको practically अपना अपने life में, that will be wonderful. And दीदी जी thank you for the meditation also. हम अगले आगे वाले sessions में आपके सब जब आएंगे और deep meditation सीखेंगे and pure raw meditations होंगी बिल्कुल ही, उसके अंदर गहरी आइयां गहराइयां और depth में जाएंगे. तो अभी जिन जिन ने सेशन सुना है क्या आपके पास में कोई क्वेश्चंस हैं? बिकॉज बीच में क्वेश्चंस पूछ रहे थे बहुत सारे जो हमारे ज्वाइन किए पार्टिसिपेंट्स हैं. थैंक यू सो मच फॉर पार्टिसिपेटिंग, दैट इज लवली, बिकॉज औरों के भी क्वेश्चंस आंसर हो जाते हैं उसमें. अगर किसी के पास में क्वेश्चंस है, जस्ट अनदर 3 मिनट्स आई एम गिविंग ओवर हियर, इसके पहले कि हमारे नेक्स्ट पार्टिसिपेंट आए. 3 मिनट्स, इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस, दीदी इज देयर फॉर यू. ओम शांति दीदी. मेरा एक क्वेश्चन है कि मेरा मतलब कंसंट्रेशन नहीं होता है दीदी, मन में इतने वेस्टेज थॉट आते हैं. तो आप क्या कर सकते हो कि जो और कोई क्वेश्चन है? नहीं दीदी, यही है कि मतलब कंसंट्रेशन नहीं होता है, मैं बहुत ट्राई करती हूँ और एकादा मिनट होगा फिर वापस अपने जगह पे आ जाते हैं वेस्टेज थॉट पे, ऐसे होता है. तो आप क्या कीजिए कि जब भी आपको वेस्टेड थॉट्स आते हैं तो एक डायरी लीजिए और डायरी में आपके मन में जो थॉट्स आ रहे हैं वो लिखते जाइए. आर यू हियरिंग? हेलो. थैंक यू दीदी, थैंक यू. ओम शांति. ओम शांति. Anybody else? और कोई पूछना चाहे question? Yes, hello, Om Shanti Didi. Om Shanti. Is your book available in Amazon? Because I'm not residing in India for time being. Yeah, so, yeah. Amazon पर available है. This is my book, Shiv Rays. Shiv Rays. Okay. Thank you. Thank you, Didi. This is all about the positive thoughts. How to control your thoughts. सब इसमें लिखा हुआ है. सो ये अवेलेबल. थैंक यू. एनीबॉडी एल्स? कोई और पूछना चाहेगा क्वेश्चन? हेलो सिस्टर. सिस्टर आई राइट नाउ यू आर जस्ट बिफोर दिस यू आर टेलिंग नो दैट व्हेनेवर वी आर लैकिंग आवर कंसंट्रेशन टू राइट आवर फीलिंग्स आवर वेस्टेड थॉट्स इन डायरी. So, yeah. Would you like to add something to that? Like, if we write down those things in the diary, how do we know that, you know, to avoid those things? No, so actually the sister, I think she got my answer when I said ke diary mein likh lo. So I didn't further explain. But diary mein likhne ke baad, you know, आप थोड़ी देर के बाद उसको 10 बार पढ़िए एंड देन यू विल रियलाइज कि दिस इज अ रबिश थिंग. एंड अगर वो उसको उसको बाद में टॉयलेट में जाकर फ्लश कर दीजिए
Okay. So it will never bother you then again. Okay. So nicely put up, sister. बहुत ही अच्छे से आपने बताया इस चीज के बारे में, क्योंकि हम बहुत सारे चीजों को अपने बुद्धि में तो रख लेते हैं, लेकिन जब लिखते हैं उनको, जिसको कि हम कहा जाता है कि आपका एनएलपी भी एक होती लैंग्वेज होती है, न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग, उसके अंदर का जिसमें कहते हैं कि अगर आप कोई चीज को सामने लिख देते हैं तो आप जब उसको जब पढ़ते हैं अपनी आंखों से, बिकॉज विद्या आंखों से ली जाती है, कानों से ली जाती है, जब अपने ही राइटिंग को लिख करके देखते हैं कि अरे ये क्या लिखा है मैंने, इतने सालों से ऐसी छोटी छोटी सोच पर मैं अटका हुआ था, अटकी हुई थी, ये तो बिल्कुल रबिश है, बेकार है, इसको फेंको, ये तो कोई काम का ही नहीं है, बेकार में टाइम वेस्ट कर लिया मैंने इतना, इतने साल तक ये बात रखी हुई। लेकिन वो चीज जब अंदर घूमती होती तो हमारे पास में कोई उसका एक तथ्य नहीं होता कि सामने ये क्या चल क्या रहा है एग्जैक्टली मन के अंदर। तो हीलिंग में भी बहुत अच्छा ये एक टेक्निक है कि अपने थॉट्स को लिख लें और उनकी फीलिंग्स को आप अगर महसूस करें तो आपको पता चलेगा कि आप जो फीलिंग्स अटैच करे हुए थे थॉट्स के साथ में, उनका कोई यूज ही नहीं है एक्चुअली। तो कहा जाता है थॉट्स आर लाइक द ब्रिक एंड फीलिंग्स आर लाइक द सीमेंट। तो अगर सीमेंट का कोई फायदा नहीं है तो वो जो ब्रिक की वॉल्स जो आपने बना के रखी है, यूजलेस थॉट्स की ब्रिक्स की वॉल जिसमें कोई सीमेंट ही नहीं, फीलिंग्स ही नहीं, बेकार की, उसको आप तोड़ सकते हैं आराम से। थैंक यू सो मच एंड सेशन इज राइट नाउ ओवर फॉर दीदी। थैंक यू सो मच, नॉट एग्जैक्टली ओवर फॉर राइट नाउ ओवर, लेकिन फ्यूचर में हम आपसे फिर और सैटरडेज में मिलेंगे। एंड अभी सारे पार्टिसिपेंट्स को एक रिक्वेस्ट है कि मैं एक मैसेज भेजने वाला हूँ आपको, जो कि है व्हाट्सएप ग्रुप है हमारा, जिसमें कि दीदी के थ्रू और बाकी हम जितने भी टीचर्स हैं यहाँ पर, एक्चुअली स्टूडेंट्स, टीचर्स तो बाद में, हम आपके साथ में कुछ ऐसी मीठी मीठी बातें उस ग्रुप में शेयर करेंगे व्हाट्सएप ग्रुप में। आपको मैं इस सेकेंड में ही वो लिंक आपके चैट में आएगा, काइंडली उसको जाकर के आप ज्वाइन कर लें, इस पर क्लिक करें एंड उस लिंक को ज्वाइन करें। यू गॉट जस्ट वन मिनट टू डू सो। आपको सबको मैसेज आ चुका होगा, काइंडली ज्वाइन दिस व्हाट्सएप ग्रुप, काइंडली क्लिक ऑन दैट लिंक एंड अपने व्हाट्सएप ग्रुप पे आप ज्वाइन करें उसको। वहां पे और भी सेशंस के बारे में बताया जाएगा आपको कि ये सेशंस में आगे क्या क्या होने वाला है एंड आपको पता चलता जाएगा। थैंक यू सो मच, आई कैन सी एवरीबॉडी इज ज्वाइनिंग दैट ग्रुप, वंडरफुल, थैंक यू। एंड भैया हमको नहीं मिला वो लिंक। हाँ जी, हमको वो लिंक नहीं मिला अभी तक। आपका नाम? मेरा नाम अमित प्रसाद। अमित प्रसाद भाई जी, जस्ट अ मिनट, मैं आपको फिर से ये लिंक भेज दूंगा। देखिए अगर आपको ये फिर से आ रहा है, सबको फिर से भेज दिया मैंने, आप अपने चैट बॉक्स में देखें काइंडली क्या आपको आया लिंक। अगर आपको लिंक नहीं आया है तो काइंडली इस नंबर पर, ये मेरा नंबर है, इस नंबर पर आप काइंडली मुझे कांटेक्ट करें, मैंने सबको भेज दिया है, इसमें आपको मैं लिंक भेज दूंगा। हम टाइम बिना वेस्ट करते हुए आगे बढ़ते हैं। सो थैंक यू सो मच सिस्टर एंड अब अगले सत्र में आने से पहले मैं इंट्रोड्यूस करना चाहूंगा, भाई साहब ने बहुत ही मुझे मेरे जीवन काल में भी, इस काल में बहुत ही मुझे हेल्प करी है और भाई साहब ने मुझे कैसे बहुत ही सिंप्लिसिटी से और बहुत ही प्यार से ये आध्यात्मिक मार्ग में चलना कैसा है वो सिखाया है। और बहुत ही सिंपल पर्सनालिटी है लेकिन बहुत ही पावरफुल पर्सनालिटी है, सॉफ्ट स्पोकन है लेकिन डीप एंड काइंड हार्टेड, एंड बच्चों से लेकर के हर एक प्रकार के आत्माओं को, हर एज ग्रुप के लोगों को उन्होंने हेल्प करी है। तो मैं उनको इंट्रोड्यूस करना चाहूंगा। हमारे सेकेंड स्पीकर हैं ब्रह्म कुमार देवराज भाई साहब, और देवराज भाई साहब पिछले 35 प्लस ईयर्स से ज्ञान में है, कहने का अर्थ है स्पिरिचुअलिटी को फॉलो कर रहे हैं। अपने लौकिक काल में, अपने जीवन काल में वो बीएससी ग्रेजुएट रह चुके हैं बायोसाइंस में, और साथ ही साथ उन्होंने उसके बाद में जाकर के अपना खुद का बिजनेस स्टार्ट किया, फैमिली बिजनेस, कई सालों तक फैमिली बिजनेस के थ्रू उन्होंने सेवाएं करी। काइंडली अपने आपको म्यूट कर दें, रिक्वेस्ट टू ऑल पार्टिसिपेंट्स काइंडली म्यूट योरसेल्फ। ओके, सो अपने जीवन काल में देवराज भाई जी ने बिजनेस किया और बिजनेस के थ्रू उन्होंने सेवाएं भी बहुत करी हैं, बहुत लोगों को पर्चे बांटे, बहुत लोगों को किताबें बांटी हैं अपने ही प्रिंटिंग प्रेस के बिजनेस से, बहुत ही सेवाएं करी हैं। और एज ऑफ 14 से वो इस मेडिटेशन को प्रैक्टिस करते आए हैं, और दार्जिलिंग की एक बड़ी दीदी हैं, उनके थ्रू उन्होंने
सारी पालना ली और फिर अपनी सेवाएं दी, और अभी वो कैलिंगपोंग में समर्पित है। उन्होंने बिजनेस को वाइंड अप कर दिया है और कैलिंगपोंग में जाकर के भाई साहब अपनी सेवाएं दे रहे हैं। पिछले 6 साल से समर्पित हैं और उन्होंने अपने जीवन काल में किताबें, 4 किताबें लिखी हैं जिनके नाम आपने पढ़े भी होंगे, आपने वीडियो देखी, जैसे कि दिव्य प्रकाश हो गया, पार्ट 1 पार्ट 2 हो गया आपका, ज्ञान रत्न उन्होंने 2017 में एंड 2019 में ज्ञान प्रकाश को पब्लिश किया था, और बहुत सारे आर्टिकल्स भी लिखे हैं नेपाल की मैगजीन्स में और दार्जिलिंग की भी लोकल मैगजीन्स में, बहुत उनके आर्टिकल्स आए हैं, 150+ आर्टिकल्स अपनी लोकल भाषा में। और कहना क्या है, वो हर प्रकार की ट्रेनिंग करते हैं, तो आपके सामने मैं लेके आना चाहूंगा हमारे प्यारे देवराज भाई जी, जिनको कि हम ब्रह्म कुमार भी कहते हैं, ब्रह्म कुमार देवराज भाई जी। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग इन देवराज भाई जी, कैन यू हियर मी? यस यस, ओम शांति। ओम शांति भाई जी। ओम शांति भाई जी। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति भाई जी। तो बहुत अच्छा हमारा शिवनेहा बहन जी ने आपको कैसे हीलिंग मेडिटेशन सिखाया। तो मैं थोड़ा सा सिंपल अभी ये मेडिटेशन और योग क्या है इसके बारे में बताना चाहता हूँ, क्योंकि आज मेडिटेशन योग बहुत प्रचलित हो गया है। योग बोलने से आज लोग फिजिकल जो आसन प्राणायाम यही समझते हैं, मेडिटेशन भी बहुत प्रकार का हो गया है, कई इंटेग्रल मेडिटेशन बोलते हैं, ट्रांसेंडेंटल मेडिटेशन, कंपोजिट योग एक्सेट्रा, बहुत सारा योग। तो वास्तव में योग शब्द का संस्कृत ओरिजिन है, संस्कृत के यूज शब्द से आया हुआ शब्द है जिसका अर्थ है कनेक्शन। तो योग का अर्थ है कनेक्शन, संबंध या जोड़। जैसे वियोग शब्द से हम अलग होना समझते हैं, ऐसे योग शब्द से संबंध में आना उसके भी है ना। तो आध्यात्मिक अर्थ में योग का अर्थ है आत्मा का संबंध परमात्मा से जोड़ना। तो इस योग में कौन योग करता है और किसको याद करता है, योग में सिंपली आध्यात्मिक अर्थ में याद, कौन याद करता है, किसको याद करता है, कहाँ याद करता है, कहाँ याद करना चाहिए, ये जरूरत है। तो थोड़ा सा हम ये इसके बारे में बताऊंगा कि आत्मा का कनेक्शन परमात्मा से कैसे जोड़ना है। उसके पहले मैं कहूँ इसके बारे में भी जानकारी बहुत आवश्यकता है, निश्चय चाहिए, है ना। जैसे वेदांत में भी कहा है श्रवण मनन और निधि ध्यासन, इसके बारे में पहले हम सुनते हैं, उसके बाद में मनन करके निश्चय हो जाता है, तो फिर अभ्यास करके हमें स्वरूप बनना है। तो आज तक क्या है कि सभी ने अपने आप को ये बॉडी माना है, दूसरों को भी बॉडी समझ करके व्यवहार में आया है, लेकिन क्या है कि वास्तव में ये सबसे बड़ा भौतिकतावाद है, सबसे बड़ा हमारा भूल है। जब ये संसार सतयुग और त्रेता था उस वक्त सोल कॉन्शियस था, अपने को आत्मा समझते थे, दूसरों को भी आत्मिक दृष्टि से देखते थे, और जब द्वापर युग शुरू हुआ तब आत्मा भूल गया, अपने आप को शरीर मानना शुरू किया, दूसरों को भी शरीर समझ करके व्यवहार करना शुरू किया। उसके कारण से ही काम क्रोध लोभ मोह अहंकार हमारे जीवन में आया और हमारा धर्म भ्रष्ट कर्म भ्रष्ट बन गया। तो उसके रिजल्ट में हमें रोग शोक दुख शांति ये सब मिलते गया, सब बढ़ते गया। आज क्या है लोग में मन भी, जैसे दीदी बोल रहे थे, मन में भी तनाव है, डिप्रेशन है, शरीर भी सबका रोगी बन गया है, रोग शोक दुख अशांति का दुनिया बन गया है। तो इसका रूट कॉज क्या है कि अपने आप को भूल जाना, इसके कारण से सारा दुख अस्वस्थ समस्या ये सब बढ़ गया। तो इसलिए हमें बॉडी कॉन्शियसनेस से रिवर्स हमें सोल कॉन्शियस में जाना है। तो जैसे अभी सभी लोग
मैं भी जो बचपन से सुनते आती थी कि भारत के ऋषि मुनियों ने मंत्र दिया कि को हम है ना, उसका अर्थ है कि मैं कौन, है ना। और ये जो सोक्रेटिस, उनको भी एक बार एक व्यक्ति ने पूछा कि आपने कितना ज्ञान हासिल किया, तो उन्होंने बोला हमने कुछ भी हासिल नहीं किया ज्ञान उनके, तो उसने बोला कि आप तो इतने, आपके तो इतने चेला है, आप सभी को ज्ञान है, विद्वान है आप तो, ना कैसे आप बोल सकते कि आपने कुछ भी ज्ञान हासिल नहीं किया। तो उसने बोला कि मैंने जितना भी ज्ञान हासिल किया, बाहर का ज्ञान हासिल किया, मैं अपने आप को नहीं जानता हूँ। तो उसने बोला कि नो थाइसेल्फ इज द बिगिनिंग ऑफ ट्रू विजडम, तो खुद को जानना ही सच्चा ज्ञान का शुरुआत है। तो उसने बोला मैं खुद को नहीं जानता हूँ। तो वास्तव में मैं कहने वाला एक ज्योति बिंदु आत्मा है जो यहाँ ब्रिक्विटी के अंदर में रहते हैं। तो आत्मा में ही तीन मन, बुद्धि और संस्कार। मन संकल्प करता है, बुद्धि उसको फिल्टर करता है, और जो बुद्धि डिसीजन देता है, राइट डिसीजन देगा तो राइट एक्शन होगा, रॉन्ग डिसीजन देगा तो रॉन्ग एक्शन होगा। और जिस प्रकार का एक्शन हम बार बार करते जाएंगे, उस प्रकार का हमारा संस्कार बनते जाते हैं। तो ब्रह्म कुमारी संस्था यही कार्य करते हैं, कर रहे हैं कि लोगों का संस्कार परिवर्तन कर, संस्कार परिवर्तन से ही संसार परिवर्तन हो जाता है। तो इसलिए संस्कार परिवर्तन करने के लिए राजयोग मेडिटेशन बहुत इंपॉर्टेंट भूमिका निभाते हैं। राजयोग मेडिटेशन क्या है कि एक श्रेष्ठ विचार में रहना, आत्मा परमात्मा का मधुर मिलन, तो ये है राजयोग मेडिटेशन। तो पहले तो ये निश्चय होना चाहिए कि मैं एक शरीर नहीं हूं, मैं एक आत्मा हूं। जैसे देखिए, अब मैं और मेरा ये दो शब्द है ना, मैं कहने से सेल्फ समझ में आता है, मेरा कहने से विच इज डिफरेंट फ्रॉम मी, है ना। जैसे मेरा ये जैकेट, मैं जैकेट नहीं हूं, है ना, मैं इसको उतारता हूँ, मैं लगाता हूँ। तो इसी प्रकार से हम लोग कहते हैं कि मेरा हाथ, तो उसका अर्थ है मैं हाथ नहीं हूं। मैं कहता हूं कि मेरा सर, है ना, तो उसका मतलब मेरा सिर भी मैं नहीं हूं, ये तो मेरा है। तो इसी प्रकार से हम लोग बोलते हैं कि मेरा शरीर, है ना, तो मैं शरीर नहीं हूं। कभी बोलते हैं मेरा शरीर दर्द हो रहा है, मेरा शरीर ठीक नहीं है, तो उसका अर्थ है कि मैं शरीर नहीं हूं। तो आप ये शरीर नहीं है तो आप कौन है। तो जैसे गाड़ी को एक ड्राइवर चलाता है, इसी प्रकार से इस शरीर को चलाने वाली शक्ति एक चैतन्य आत्मा है। आत्मा यहाँ पर रहता है और भीतर में डेढ़ जैसे भीतर में रहते हाइपोथैलेमस और पिट्यूटरी ग्लैंड के बीच में। एक केनेथ रिंग बोलकर के जो साइकियाट्रिस्ट है और साइकोलॉजिस्ट, बहुत अमेरिका का यूनिवर्सिटी ऑफ कनेक्टिकट का रिसर्चर, तो उन्होंने सारा जीवन में ये संकल्प शक्ति का केंद्र बिंदु कहाँ पर है इसके बारे में रिसर्च किया। तो उनको लास्ट में ये मिला कि वही जो हाइपोथैलेमस और पिट्यूटरी ग्लैंड के बीच में संकल्प शक्ति का केंद्र बिंदु है। तो उसने उस जगह का नाम दिया कि गॉड स्पॉट। इसीलिए हम लोग तिलक भी यहीं पर लगाते हैं कि आत्मा यहीं भीतर में रहते हैं। तो बोलते हैं कि भ्रिकुटी के बीच में चमकता है एक अजब सितारा। तो हम सभी वास्तव में एक ज्योति बिंदु स्वरूप आत्मा है, या भीतर में रहते हैं, और ये शरीर एक जड़ वस्तु है, प्रकृति के पांच तत्वों से बना हुआ, उसी में मिल जाएगा। शरीर विनाशी, आत्मा विनाशी है, शरीर जड़ है, आत्मा चैतन्य। तो संबंध जोड़ना है आत्मा का परमात्मा के साथ। तो आपने समझ लिया कि मैं एक शरीर नहीं हूं, मैं एक ज्योति बिंदु आत्मा हूं। तो किसको याद करना चाहिए, है ना। तो आत्मा का संबंध परमात्मा से जोड़ना, इसी को ही राजयोग मेडिटेशन कहा जाता है। तो जैसे देखिए, परमात्मा को परम पिता भी बोलते हैं, परमात्मा भी बोलते हैं। परम पिता मीन्स फादर, सुप्रीम फादर।
तो शरीर का पिता शरीर ही होता है, मानव का पिता मानव ही होता है, पक्षी का पिता पक्षी होता है, कुत्ता का पिता कुत्ता ही होता है। इसी प्रकार से आत्मा का पिता भी आत्मा ही है। आत्मा जैसे ज्योति बिंदु स्वरूप है, चैतन्य है, परमात्मा भी ऐसे ज्योति बिंदु स्वरूप है और उसको परम आत्मा कहा जाता है। आत्मा और परमात्मा में हमेशा कुछ फर्क रहता है। आत्मा जन्म मरण में नहीं आता है, परमात्मा आत्मा जन्म मरण में आता है, परमात्मा जन्म मरण से न्यारा है। परमात्मा सदा पवित्र है, आत्मा जन्म मरण में आकर के आत्मा किसी को पाप नहीं बना सकते, परमात्मा को पति पावन बोलते हैं। तो फर्क आत्मा और परमात्मा में सदा रहता है। तो आत्मा अनेक है, परमात्मा एक, हम सभी आत्माओं का पिता एक परमात्मा ज्योति बिंदु स्वरूप ही है। सभी धर्म वाले उनको ही किसी न किसी रूप में याद करते हैं। भारत में ज्योतिर्लिंग कहा जाता है, अर्थात ज्योति का यादगार चिन्ह शिवलिंग को ही ज्योतिर्लिंग भी कहा जाता है। जीसस ने भी गॉड इज लाइट कहा है और मोसेस ने भी जब भगवान का दर्शन किया सिनाई पर्वत में, उस वक्त ज्योति के रूप में दर्शन किया था। और महात्मा बुद्ध ने भी जब तपस्या किया था तो उस वक्त उनको ज्योति का ही दर्शन हुआ था, साक्षात्कार हुआ था गया में पीपल के वृक्ष के नीचे में। तो इसी प्रकार से मोहम्मद साहब का भी एक दुआ था कि खुद को जानो तो खुदा को भी जानेंगे, खुद को रू मानो तो खुदा को नूर के रूप में जानेंगे। अर्थात अपने आप को आत्मा बोल करके जानेंगे तो परमात्मा को नूर के रूप में पहचानेंगे। तो सभी आत्माओं का पिता एक ही है, उसी कोई कोई जो है ना सनगढ़ भी मानते, जोरोस्ट्रियन लोग और माजदा भी बोलते हैं, तो सभी आत्माओं का पिता हुए है। सभी धर्म में एक परमात्मा को एक ही तरह से याद किया है। जैसे हम लोग पतित पावन बोलते हैं तो क्रिश्चियन लोग भी प्यूरिफायर बोलते हैं, ऐसे मुस्लिम लोग भी अलमोमिन ऐसे बोलते हैं। परमात्मा को हम सर्वशक्तिवान बोलते हैं, वे लोग है ना अलजब्बार भी बोलते हैं मुस्लिम लोग, और क्रिश्चियन लोग अलमाइटी फादर ऐसा भी बोलते हैं। सभी लोग परमात्मा को एक ही तरीके से याद करते हैं। तो हम ये जो जितने भी जो समस्या है जी तन का और मन का, ये लाखों दुखों का एक दवा है राजयोग मेडिटेशन। हम जितने भी समस्या दुख अशांति फेस करते हैं, हमारा ही कोई ना कोई पिछले जन्म का द्वापर कलयुग का विक्रम का रिजल्ट है। तो हम जब अपने आप को आत्म समझ करके परमात्मा को याद करेंगे तो हमारे विक्रम विनाश होते जाएंगे। तो जितना हमारा विक्रम विनाश होते जाएंगे, हम सुखी शांति में सभी प्रॉब्लम से मुक्त बनते जाते। तो योग का ही भिन्न भिन्न प्रकार का प्रयोग करते हैं, स्वास्थ्य के लिए, अपने मन के शांति के लिए, दूसरों को भी हीलिंग के लिए। लेकिन मुख्य बात है कि जैसे गीता में भी कहा है, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज, न अहं त्वा सर्व पापे विमुक्त स्वामी महासुच। अर्थात देह सहित देह के सभी धर्म को संबंध को भूल करके मुझे याद करो तो मैं तुम्हें सभी पापों से मुक्त कर दूंगा। तो ये जो ब्रह्म कुमारी संस्था में सिखा रहा है राजयोग मेडिटेशन, भारत का सबसे प्राचीन राजयोग मेडिटेशन है जो स्वयं परमात्मा ने सिखाया है। तो जैसे भाई जी का रिक्वेस्ट हो रहा है तो एक पहले सिंपल प्रकार का जो हम राजयोग मेडिटेशन करेंगे थोड़ी देर, तो उसके बाद फिर योग का भिन्न भिन्न प्रकार का एप्लीकेशंस भी है वो हम करेंगे, ठीक है। तो थोड़ी देर हम वो करें। अपने आप को बिंदु आत्मा समझ लीजिए। भ्रिकुटी के बीच में निवास करने वाला मैं एक चैतन्य आत्मा,
शरीर नाशवान है, मैं आत्मा अविनाशी हूं, शरीर प्रकृति के पांच तत्व से बना हुआ जड़ वस्तु है, लेकिन मैं आत्मा इनसे भिन्न चैतन्य शक्ति हूं, मैं एक शांत स्वरूप आत्मा हूं। पवित्र स्वरूप आत्मा हूं, शरीर को चलाने वाला शक्ति हूं, मैं आत्मा संकल्प शक्ति द्वारा अपने घर परम धाम की ओर जा रहा। सूर्य चंद्रमा तारागण से भी ऊपर एक सूक्ष्म लोक है, उससे भी ऊपर एक लाल प्रकाश का दुनिया है। विशाल है ये दुनिया, इसी के शिखर में मैं ज्योति बिंदु पिता को देख रहा, एक महाज्योति, एक दिव्य ज्योति, पवित्र ज्योति को देख रहा। जैसे मैं आत्मा ज्योति बिंदु स्वरूप हूं, ऐसे मेरे पिता परमात्मा भी ज्योति बिंदु स्वरूप है। उनसे लाइट का किरणें मुझ आत्मा पर आ रहा है, बड़े प्यार से याद करिए, वो मुझ आत्मा का प्यारा पिता है। उनको ही मैं बहुत जन्मों से ढूंढता था, आज उनसे मिलन मनाने का सुखद अवसर प्राप्त हो। प्यार से उनको याद करिए, वही है जिसका सेकेंड का दर्शन के लिए भी मैं तड़पता था। आज मैं भगवान से बात कर रहा हूं, भगवान से शक्ति मिल रहा है। प्यारे बाबा से मैं बात कर रहा हूं, उनसे शांति का किरण मुझ आत्मा पर पड़ रहा है। मैं शांति सागर के पास पहुंच गया, प्रेम के सागर पिता के पास पहुंच गया। मेरा बाबा, प्यारा बाबा, स्वीटेस्ट बाबा, आप कितने अच्छे हो, कितने महान हो, सबको प्यार करने वाले हो,
हम सब आपके बच्चे हैं। बाबा आप सर्वशक्तिवान, आपसे जो शक्ति मुझे मिल रहा है उससे मैं स्वस्थ बन रहा हूं। मैं आत्मा पवित्र बनती जा रहा हूं। मैं आत्मा भी स्वस्थ बनती जा रहा हूं। खुशी हमारा गले का हार बन गया। मैं बहुत भाग्यशाली आत्मा हूं। भगवान मेरे साथ, उनके मीठी नजर मुझ पर पड़ रहा है। इस साइलेंस की दुनिया में आत्मा और परमात्मा का प्यारा मिलन अति श्रेष्ठ है। मुझ आत्मा पर परमात्मा से सब कुछ प्राप्त हो रहा है। मैं खुशनुमा आत्मा हूं, बहुत शक्तिशाली आत्मा हूं। साइलेंस की दुनिया में मैं पवित्र आत्मा और पवित्र ज्योति बिंदु शिव बाबा से मिलन मना रहा हूं। बहुत सुखद अनुभव हो रहा है। मैं आत्मा बहुत शक्तिशाली बनते जा रहा हूं, स्वस्थ बनते जा रहा हूं। परमात्मा का ये किरण मैं विश्व में फैला रहा हूं। विश्व के सभी आत्माएं पावन बनते जा रहा है। सबका भला हो, सारे विश्व का भला हो, मेरा भी भला हो। परम पवित्र ज्योति बिंदु शिव बाबा से साइलेंस की दुनिया में मिलन मनाकर मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। मुझे बहुत खुशी मिल रहा है। मैं आत्मा प्योर बनते जा रहा हूं। मैं आत्मा शुद्ध बनते जा रहा हूं। इस प्रकार से प्रभु मिलन मनाकर मैं आत्मा गहन शांति का अनुभव कर रहा हूं। मैं शांत स्वरूप आत्मा, सर्व का शुभ चिंतक हूं, सबको दुआ देने वाला। तो परम प्यारे पिता से मिलन मना कर मैं फिर वापस
भौतिक जगत की तरफ लौट रहा हूं। विश्व में मैं शांति पवित्रता का प्रकंपन फैलाते हुए मैं फिर वापस इस शरीर में प्रवेश किया। ओम शांति। ओम शांति भाई जी। थैंक यू भाई जी। ओम शांति। थैंक यू भाई जी। इस प्रकार से हम करते हैं जी। तो थोड़ा सा हम संकल्प के बारे में बता दूंगा ना। कितना परमप्रीत भाई जी, हाँ जी भाई, कितना टाइम बोला भाई साहब आपने? अराउंड 5:45 पे स्टार्ट किया है तो आपका 6:15 पे आपका मतलब कि 6:15 पे आपका अनदर 7 to 8 minutes हाँ जी हम सत्र खत्म करेंगे फिर हम आगे फीडबैक्स एंड ऑल और कुछ फॉर्म्स हैं वो हम कर लेंगे आगे। ठीक है जरा सा उसके बारे में बता दूंगा मैं। हाँ जी भाई तो देखिए संकल्प शक्ति जो एक जो लाइन संकल्प शक्ति एक वंडरफुल शक्ति है इस विश्व में है ना। तो संकल्प शक्ति से हम क्या याद तो ऐसा है कि संकल्प शक्ति से हम बहुत काम कर सकते हैं वंडरफुल काम कर सकते हैं क्योंकि हमारे संकल्प शक्ति एक इलेक्ट्रिसिटी जैसा है। इलेक्ट्रिसिटी में चार बातें होते हैं। सो व्हाट इज इलेक्ट्रिसिटी? इट्स अ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है ना। जैसे और से जो इधर घर तक 50 बार इलेक्ट्रॉन एक सेकेंड में ट्रैवल करता है तो संकल्प भी एक क्या है? फ्लो ऑफ थॉट्स। कई लोग बोलते हैं कि जो राज्य में ये जमीन करने वाले थॉटलेस होने का कोशिश करते हैं संकल्प संकल्प को थॉटलेस करने का लक्ष्य रखना भी एक घोड़ा है उसका पैर है दौड़ने के लिए यदि मालिक उसको एक ही जगह रखेगा तो संकल्प एक क्या है लेकिन संकल्प हमारा कंट्रोल में जैसे पतंजलि का चित्तवृत्ति निरोधक जो बोला है करना इसका लेकिन इसका भाव नहीं है। लेकिन चित्त के जैसे हाथ है हमारे कंट्रोल में है ऊपर करना चाहता हूँ कर सकता हूँ नीचे करना चाहता हूँ कर सकता हूँ है ना। मैं जो चाहूंगा वही थॉट्स चले जो नहीं चाहूंगा वो न चले तो थॉट्स हमारा कंट्रोल में लेकिन थॉट्स हमारा ये फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन जैसा थॉट्स। दूसरा बात क्या है कि इलेक्ट्रिसिटी है ना तो हमारा संकल्प में भी एक मैग्नेटिक पावर है जैसे रोंडा बायर ने जो सीक्रेट द सीक्रेट बुक लिखा है उसका जो वीडियो भी बना है डॉक्यूमेंट्री उसमें उन्होंने बहुत बहुत सारा एग्जांपल भी दिया है। तो जैसे कि मुझे गाड़ी का इच्छा है ना तो इमेजिन करिए कि मेरे पास गाड़ी है मैं ड्राइव कर रहा हूँ उसको गैरेज में रख रहा हूँ है ना मेरा पास गाड़ी आ गया है तो ये जब सोचे जाएंगे तो ये प्रैक्टिकल में ये परिस्थिति ड्रैग होती जाएगा और एक दिन पास गाड़ी हो जाएगा तो हम जो सोचते हैं वो परिस्थिति बनते जाते हैं इसमें मैग्नेटिक पावर है। तो हमेशा पॉजिटिव थिंकिंग हमें अपनाना चाहिए ना? जब हम नेगेटिव थिंकिंग करेंगे कि वही होते जाएंगे इसलिए मेडिटेशन में क्या सिखाया जाता है कि हमें पॉजिटिव थिंकिंग करना मैं स्वस्थ हूँ
ये सोचने से स्वस्थ बनते जाए। मैं बीमार हूँ बीमार हूँ सोचने से बीमारी होते जाए। तीसरा बात ये कि जैसे इलेक्ट्रिसिटी में वाइब्रेशन होता है जिसका असर हमारा अपना शरीर पर पड़ता है, वातावरण में भी पड़ता है, पशु में भी पड़ता है, प्रकृति में भी पड़ता है। शिवक था, सुंदर था, क्योंकि उधर सभी आत्माएं पवित्र थी, उनका वाइब्रेशन के कारण से पशु भी थोड़ा ये वो म्यूट करिए। तो थॉट्स के वाइब्रेशन के कारण से उधर में सर्किट में सबका प्योर थॉट्स था, उसके वाइब्रेशन के कारण से वातावरण भी प्रकृति भी सेवक था, सुखदायी था। तो आज नेगेटिव वाइब्रेशन है, नेगेटिव थॉट्स है, और कर्म भी वैसा होगा। जैसे हमारा सोच चलेगा कर्म भी वैसा ही बनते जाएंगे। तो विकर्म हमारा होने के कारण से, विकारी थॉट्स होने के कारण से आज प्रकृति भी दुखदायी बनती है, लोग भी दुखदायी, पशु भी ऐसा हो गया, शरीर भी बीमार, सबके नया नया बीमार और आ रहा है। तो इसलिए हमारा थॉट्स, जैसे ब्रह्मा ने संकल्प से सृष्टि रचा ये बोलते हैं, लोग सोचते हैं कि संकल्प करने से शून्य से आउट ऑफ नथिंग सृष्टि बन गया, इसका बात ये नहीं। तो परमात्मा ब्रह्म बाबा के तन में आकर के सबका थॉट्स प्योर बनाता है, शुभ बनाता है। इसके तहत जब हमारा थॉट्स हमारा अच्छा हो जाता है तो हमारा व्यवहार हमारा कर्म भी अच्छा हो जाता है। तो प्रत्येक का संस्कार अच्छा होता है तो संसार भी बढ़िया बन जाता है ना? तो संकल्प का हमारा वाइब्रेशन होता है। जैसे फर्स्ट ऑप्टन सिंक्लेयर और मेरी सिंक्लेयर ने उधर अमेरिका में ट्राई किया था, 1920 की बात है। उन दोनों ने एक ही शहर में दो डिफरेंट बिल्डिंग में वो लोग रहा, पति और पत्नी थे ऑप्टन सिंक्लेयर और मेरी सिंक्लेयर। तो एक ही टाइम में जैसे मेरी सिंक्लेयर ने उनको कॉन्सेंट्रेट किया, ऑप्टन सिंक्लेयर ने मेरी सिंक्लेयर को कॉन्सेंट्रेट किया। तो जो थॉट्स मेरी सिंक्लेयर जैसे कुछ पेपर में ड्राइंग बनाते थे, जैसे सिंपल ड्राइंग्स, जैसे चेयर बनाया, कैप बनाया, अम्ब्रेला बनाया, ऐसा सिंपल ड्राइंग्स लगभग 100 के करीब बनाया, और वो बनाते समय उनको ध्यान करते उनको ये मैसेज देते है ना। तो ऑप्टन सिंक्लेयर ने भी जो मैसेज रिसीव करते थे उसके हिसाब से वो बनाते थे, बनाते गया। तो पीछे दोनों का जो पिक्चर देखा पेपर में 100 जैसा जो सिंपल ड्राइंग्स था तो सिमिलर था। तो इसके बारे में चर्चा हुआ कई, अब साइंस के कई थोड़ा घमंड में जो व्यक्ति था वो लोग ने कोइंसिडेंस ऐसा भी बोल दिया। लेकिन अल्बर्ट आइंस्टाइन ने बोला इसमें अभी डाउट मत करें कि आगे चल करके कुछ इसका राज भी हमें मालूम पड़ जाएगा, है ना। तो इस प्रकार बोला। तो उसके बाद में जेवी राय ने है, उन्होंने बहुत सारा परीक्षण किया और उन्होंने एक्स्ट्रा सेंसरी परसेप्शन नामक बुक भी लिखा। तो उन्होंने क्या बोला कि ये थॉट्स टेलीपैथी शब्द उन्होंने निकाला कि हमारा थॉट्स का वाइब्रेशन जाता है, उससे लोगों पर तो भी प्रभाव पड़ता है और प्रकृति सब जगह प्रभाव पड़ता है ना। अभी तो इसके बारे में बहुत सारे परीक्षण हो गया, अब सभी लोग मानते हैं कि थॉट्स का हमारा वाइब्रेशन जाता है। तो जैसे माउंट आबू हमारा हेडक्वार्टर में लोग जाते हैं या सेंटर में आते हैं तो उनको शांति महसूस होता है, प्यूरिटी महसूस होता है, खुशी महसूस होता है ना, क्योंकि वहां पर सब पवित्र राजयोगी परमात्मा को याद करते हैं, पवित्र जीवन है, तो उनका वाइब्रेशन निकलता है, वाइब्रेशन से वातावरण भी बन जाता है। तो ऐसा थॉट्स का भी हमारा वाइब्रेशन जाता है। और चौथी बात है कि रेडिएशन भी जैसे उसमें जाता है इलेक्ट्रिसिटी में, जिसको ELF बोलते हैं, एक्सट्रीमली लो फ्रीक्वेंसी रेडिएशन। तो हमारा जैसा थॉट्स लाइफ टाइम में चलते जाते तो हमारा ऑटोमेटिक एक वाइब्रेशन फील होता है, एक रेडिएशन। कोई भी हमारे पास जैसे प्योर थॉट्स वाला व्यक्ति होता है, हमारा श्रेष्ठ जीवन वाला कोई भी पास में आते तो उनको शांति खुशी। तेरी आवाज नहीं आ रही, देख जरा, आवाज बहुत कम आ रही, देख दे जरा। योग मेडिटेशन क्या है कि
ये थॉट पावर कम्युनिकेशन है, परमात्मा के साथ हमारा थॉट पावर कम्युनिकेशन, हम जो सोचते हैं उससे हीलिंग भी होते हैं। तो जैसे एक बार ये जो दीपक चोपड़ा था, डॉक्टर और बहुत फेमस राइटर भी है, उन्होंने एक कैंसर का हॉस्पिटल में आधा कैंसर का जो पेशेंट है उनको ये बोला कि एक सिंपल पिल्स उनको दिया, ये बोला कि अब ये नया कैंसर का दवा आ चुका है, ये जो है अब ये क्यूरेबल डिजीज है, 100% क्यूरेबल डिजीज है, आप बेफिक्र रहो, है ना, ये दवा खाओ आप ठीक हो जाएंगे, उन्होंने ऐसा प्रकार बोला। बाकी आधा लोगों को जो केमो कर रहा है वो जो वो कर रहा था, तो 5 वर्ष के बाद में जब रिजल्ट उनको पता चला कि जो मैक्सिमम सर्वाइव जो किया, जो उन्होंने जो पिल्स दिया था वे लोग ज्यादा सर्वाइव किया था, जो केमो चल रहा था वो लोग ज्यादा एक्सपायर्ड हो गया था। तो क्या है कि हमारा संकल्प का इतना ज्यादा प्रभाव पड़ता है, इसलिए आजकल डॉक्टर लोग भी बोलते हैं कि 72% 70-80% ऐसा डिजीज को साइकोसोमेटिक बोलते हैं, हमारा मन से रोग उत्पन्न होता है। मन से रोग उत्पन्न हो सकता है तो मन से ठीक भी हो सकता है, हमारा अच्छे विचार से ठीक भी हो सकता है। तो राजयोग मेडिटेशन में क्या है कि एक तो हमारा प्योर थॉट्स होता है और दूसरा परमात्मा परम पवित्र पिता से हम कनेक्शन जोड़ते हैं, तो उनका शक्ति भी काम करता है, इसलिए हम स्वस्थ भी रह सकते, बहुत सारा काम भी बना सकते, बिगड़े हुए काम को भी हम बना सकते, हमारा जीवन भी निर्विघ्न बना सकते, दूसरों का भी बना सकते। तो भाई जी बोल रहे टाइम हो गया बोल रहे, तो आज मैं इतने में समाप्त करता हूँ। तो कुछ प्रश्न है, कुछ पूछना चाहते हैं तो वेलकम। तो भाई जी कुछ बोलना है तो बोले। ओम शांति भाई जी, देवल भाई जी, थैंक यू सो मच, आपने बहुत ही डिटेल्स में और संक्षेप में बताया और साथ में मेडिटेशन बहुत सुंदर करवाई, एक लंबे मेडिटेशन सेशन का बहुत ही वेट कर रहे थे हम सब लोग, थैंक यू सो मच, एंड बहुत ही डेप्थ में लिया करके आपने समझाया। अगले सत्रों में आप जरूर होंगे हमारे साथ में, अगले सैटरडेज को भी ऐसे प्रोग्राम्स होंगे, लेकिन वहां पहुंचने से पहले आज के सत्र के अगर किसी को प्रश्न है, कोई भी प्रश्न, जैसे टेलीपैथी के बारे में बात करी, जैसे कि हमारे थॉट्स के थ्रू हमारे अंदर क्या क्या चेंजेस आ सकते हैं, एंड भाई साहब ने अपना रोंडा बायन के बारे में भी बताया कि उन्होंने कैसे पावर ऑफ अट्रैक्शन के बारे में बताया हुआ है, तो हम अपने लाइफ में हेल्थ, क्योंकि ये चैनल है सेल्फ हीलिंग मेडिटेशन थ्रू राजयोगा, सो हेल्थ से रिलेटेड, रिलेशनशिप से रिलेटेड, आपके पास में ये सारी चीजें आ सकती हैं, प्रोवाइडेड आप अपने थॉट्स को, जैसे भाई साहब ने कहा, प्योर और इम्प्योर को प्योरीफाई करते जाएं और इम्प्योर को अलग करते जाएं। थैंक यू भाई साहब, बहुत ही अच्छा सेशन, एंड अभी किसी के पास में क्वेश्चन है इन चीजों से रिलेटेड तो कृपया आप पूछ लें, आपके पास में 3 मिनट हैं। ओके, किसी के पास कोई क्वेश्चन है बोलिए, चाहे वो कर्मा के बारे में हो, भाई साहब ने कर्मा के बारे में भी पूछा था, टच किया था, किसी भी चीज से रिलेटेड आपको फील हो तो आप उसके बारे में क्वेश्चन पूछ सकते हैं। हमारे रिधिमा बहन भी है जो जर्मनी से क्लास कर रहा है ना? उनको ये ऑनलाइन क्लास कराया था हमने, बोले कुछ पूछना है बनो। ओम शांति भाई जी, नॉट फॉर टाइम बीइंग। ओके, इट्स ओके, एनीवन इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस यू कैन आस्क मी। If you don't have any question, then we'll stop. That's wonderful. Actually, अगर questions नहीं है तो that means आपका session बहुत अच्छे से clearly समझ आ गया सबको। ठीक है। हाँ जी। So अभी हम क्या करेंगे? आपको बताना चाहेंगे कि ये sessions जो हैं ये every Saturday को रखे जाएंगे and the new speakers हम यहाँ पर बहुत सारे जो आए हुए हैं भाई बहन उनमें से काफी अच्छे speakers भी हमारे साथ में, अनुराग भाई जी अभी नहीं है शायद से वो चले जा चुके हैं, लेकिन हम अभी यहाँ पर इस प्लेटफॉर्म पर स्पीकर्स को भी ढूंढ रहे हैं जो कि राजयोग मेडिटेशन कर रहे हैं। सो पर्पस क्या है इस प्लेटफॉर्म का कि आप इस नॉलेज को भी लें और साथ साथ इस नॉलेज को भी औरों तक फैलाएं। कहा जाता है कि जब तक आप अमृत नहीं बांटते हैं तब तक आपके हाथ में अमृत छूता नहीं है।
तो अमृत अगर आपके हाथ में छुएगा तब जाकर औरों के पास में जाएगा। तो आप इस ज्ञान अमृत को लें औरों को भी बांटें, उससे अमृत छू करके आपको भी हील करेगा औरों को भी हील करेगा। सो एवरी सैटरडे वी आर लुकिंग फॉर न्यू पार्टिसिपेंट्स हु कैन कम ओवर एंड ऑल्सो स्पीक ओवर हियर ऑन दिस स्टेज वेरी प्लेटफॉर्म। और साथ साथ आप अगर इस नॉलेज को और ही लोगों तक पहुंचाना चाहें तो आपके पास में मैं अभी कुछ देर में एक फॉर्म भेजूंगा। इस फॉर्म को आप देख करके इसको फिलअप कर दें प्लीज। और इस फॉर्म को इसका लिंक आपको मैं अभी भेज रहा हूँ, ये गूगल फॉर्म है एंड इसके अंदर जो लिंक्स दिए गए हैं उन लिंक्स को आप कॉपी करके औरों को भी भेज सकते हैं। ये मैं आपको भेज रहा हूँ नाउ। सो जैसे ही सत्र खत्म होता है इस फॉर्म को आप अपने फोन पर या अपने लैपटॉप पर जिस पर आप देख रहे हैं उसको आप इसको खोल लें और बस दो चीजें इसमें पूछी गई हैं उनको आप फिलअप कर लें। ये हमें हेल्प करेगा कि हम और जितने भी भाई बहन हैं जिन तक ये नॉलेज नहीं पहुंची है अभी तक उनको ये नॉलेज पहुंचे। आप जानते हैं कि डिप्रेशन बहुत तेजी से बढ़ रहा है, एंग्जाइटी बहुत तेजी से बढ़ रही है, रिलेशनशिप्स में डिवोर्स केसेस बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं, लोग कैंसर पेशेंट्स, आज ही मेरी बात हो रही थी रेखा दीदी से जो कि 25 ईयर्स तक कैंसर पेशेंट रह चुकी हैं। मैं चाहूंगा कि वो नेक्स्ट सेशन में हमारे साथ में आए और अपना वो शेयर करें अपने एक्सपीरियंसेस, शायद से वो आज हैं या नहीं मेरे को आइडिया नहीं है यहाँ पर, लेकिन रेखा दीदी जी ने बोला है कि मैं आऊंगी किसी सेशन में और अपने 25 ईयर्स में बिजनेस लॉसेस साथ साथ में हेल्थ प्रॉब्लम्स ये सारी चीजों को फेस करते हुए कैसे आगे बढ़ी हैं। तो ये सेशंस भी किए जाएंगे, शेयर किए जाएंगे, ये औरों को भी फायदा हो उसके लिए आपको अपने आप को और हमें मदद करनी ताकि हम और लोगों तक पहुंच पाए। तो उसके लिए आपके पास में गूगल फॉर्म दिया गया है, आपको ग्रुप में ज्वाइन कराया गया है, ग्रुप में जो भी इंफॉर्मेशन आएगी आप उसको आगे ले जा सकते हैं। एंड आज के सत्र में सबसे मुख्य चीज ये है कि मेडिटेशन जो हमने करी है वो और डेप्थ में होने के लिए आपका पार्टिसिपेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे लोगों ने क्वेश्चंस पूछे, थैंक यू सो मच। एंड क्वेश्चन पूछने से सिर्फ हमें हेल्प नहीं होती औरों को भी बहुत हेल्प होती है। तो आपने अगर क्वेश्चन पूछा उससे औरों का भी भला हुआ। एंड आप सबको दिवाली की शुभकामनाएं। दीदी ने धनतेरस के बारे में बात करी कि हमें ये जो आज का ज्ञान रूपी धन मिला है जो कि कोई चोरी नहीं कर सकता, ये आपने जो आज ज्ञान का धन लिया है ये आपसे कोई चोरी नहीं कर सकता, बाकी धन तो कोई चोरी कर लेगा। तो ऐसा धन बांटें जो कि हर किसी के पास पहुंचे, जो उसके मन में उसकी आत्मा में ये फैले ये सारा, और कोई भी चोरी ना कर पाए। तो अब मैं यही कहना चाहूंगा कि आप इस ज्ञान धन को भी औरों तक बांटें, औरों तक ये ज्ञान धन दें और ताकि हम और लोगों का भी भला कर पाए, औरों का भला करने में हमारा भला हो ही जाता है। एंड बहुत बहुत धन्यवाद, दिवाली की शुभकामनाएं भाई जी की तरफ से भी, आप भी भाई साहब सबको शुभकामनाएं दें। एंड दीदी जी, नेहा दीदी जी, आप भी काइंडली अनम्यूट करके सबको अपनी दिवाली की शुभकामनाएं प्लीज दें। या आप जो भी सुन रहे देख रहे हैं आप सबको मेरी तरफ से दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। एक बात कहना चाहूंगी कि दिवाली में हम लोगों को गिफ्ट देते हैं, चॉकलेट देते हैं, मिठाई देते हैं या क्या क्या देते हैं, उससे अच्छा है किसी को ये गिफ्ट दीजिए, उनको कहिए कि आई एक्सेप्ट यू इन माई लाइफ एज यू आर। इससे अच्छी गिफ्ट आई डोंट थिंक हम किसी को दे सकते हैं। तो मेरी तरफ से मैं तो यही चाहूंगी कि हम अपने जीवन में जितने भी लोग हैं जो संबंध संपर्क में घर में है, ऑफिस में है या कहाँ भी है, बिजनेस में, उनको एज इट इज एक्सेप्ट करिए, क्योंकि हर पर जो भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं उनका कोई ना कोई हमारे साथ कनेक्शन है और हर एक में कोई ना कोई विशेषता है। तो इसी भावना से, इसी शुभकामना से ओम शांति। ओम शांति। एंड अभी अभी मेरी नजर पड़ी है सोनम दीदी जी, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग ओवर, मुझे पता भी नहीं चला आप कब आए। थैंक यू सो मच सोनम दीदी जी, ओम शांति। सोनम दीदी जी हमारी सीनियर दीदी हैं जो कि गैंगटॉक के सेंटर्स को संभाल रही हैं। एंड उन्होंने कहा था कि मैं कहीं दूर जा रही हूँ, मैं अगर आ गई टाइम पर तो मैं अटेंड कर लूंगी सेशन को। थैंक यू सो मच आपने ज्वाइन किया। एंड दीदी जी हम आपको भी चाहेंगे कि आप भी आए सेशंस में, आए प्लीज, आप भी अपना आधा घंटा दिखाएं जब भी आप फ्री हो, जिस भी सैटरडे फ्री हो, आपके वैल्यूबल सेशंस, आपके वैल्यूबल बोल से औरों का भी बहुत ही फायदा हो। ये हम एवरी सैटरडे कर रहे हैं दीदी जी, एंड 5 o'clock to 6:30। दीदी जी कुछ कहना चाहेंगे सबको अपनी तरफ से? हाँ,
हैप्पी दिवाली. थैंक यू दीदी. पॉल्यूशन फ्री दिवाली मनाइए सभी. हाँ जी. खुशी से सभी को दुआ दीजिए. दिए का फेस्टिवल है ना, तो सभी को शुभकामना शुभकामना दीजिए. जो भी घर में आए, संबंध संपर्क में जो भी है, उनको सुख शांति खुशी बांटिए. इससे बड़ा दिवाली और कुछ है नहीं. तो इसीलिए सब कुछ हमें अभी मिलके करना है और स्वर्ग बनाना है. तो हम सभी को अभी एक एक को सभी को क्षमा करते हुए, सबके साथ मिलजुल के आगे बढ़ते हुए, और हम सभी को गुण और शक्तियों से एक दूसरे को शेयर करते हुए आगे बढ़ना है. थैंक यू सो मच. मैं एक्चुअली पहले ज्वाइन हो चुकी थी शुरू में ही. अच्छा दीदी. परंतु मैं एक्चुअली और कार्य भी कर रही थी, इसलिए मैंने कहा कि लास्ट में जाते जाते एटलीस्ट वीडियो थोड़ा सा ऑन करूँ. मैंने सुना, सभी सुना, और मैं काफी और कार्य में भी इंगेज थी एनीवेज, बट अच्छा लगा. और आप सभी से मिलके भी अच्छा लगा, हमारे आदरणीय देवराज भाई जी और आप सभी बहने जो भी है, सभी को बहुत 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 ही अच्छा है. ये एक ऐसा सेशन है जो हमारे पारंपरिक भाई इतने अच्छी तरीके से सभी मिलके कर रहे हैं और संसार में एक दिए जलाने का कार्य कर रहे हैं, प्रकाश देने का कार्य कर रहे हैं. और अभी अभी हम देख रहे हैं कि हमारे रोहित भाई जी भी वहां पे उपस्थित है. ओम शांति भाई जी. ओम शांति रोहित भाई जी. ओम शांति रोहित भाई जी. आपको भी स्पॉटलाइट में लेके आ गए हैं जी. हाँ जी. एंड यहाँ पर हम जो भी सेशन हुआ है उसकी रिकॉर्डिंग हो रही है, और ये रिकॉर्डिंग हम यूट्यूब के चैनल्स पे भी डालेंगे, और फेसबुक लाइव भी हो रहा है इसकी रिकॉर्डिंग, सो ये फेसबुक में भी आएगा. एंड साथ साथ हम ट्राई करेंगे और डिफरेंट डिफरेंट तरीकों से औरों तक पहुंचने की कोशिश करेंगे. अगर हम सारे के सारे अलग अलग सेंटर्स के भाई बहन मिल करके एक ही प्लेटफॉर्म पर आकर के बॉर्डर्स को छोड़ करके, अगर हम अपने बॉर्डर्स छोड़ देंगे तो सारी दुनिया अपने बॉर्डर्स को छोड़ देगी. और हम अपने बॉर्डर्स को छोड़ करके आगे बढ़ें और एक साथ मिलकर के सब सेवा करें. आप सब वरिष्ठ दीदियों के और भाइयों के हमारे ऊपर छत्र छाया हो, तो हम बहुत आगे बढ़ सकते हैं. आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद आने का. एंड किसी को लिंक चाहिए फेसबुक का लिंक, तो काइंडली मुझे जो व्हाट्सएप ग्रुप आया है व्हाट्सएप ग्रुप में मुझे मैसेज करें, आपको लिंक प्रोवाइड कर दिया जाएगा. आप फिर से इस लाइव सेशन को फिर से देख सकते हैं, और यूट्यूब में भी शिव नया बहन जी अपने उसमें यूट्यूब चैनल पे भी इसको डालेंगी, एंड साथ साथ मैं भी अपने यूट्यूब चैनल पे इसको डाल दूंगा. एंड शिव नया बहन जी का एक जो उन्होंने बुक जो लिखी है उसका लिंक भी मैं व्हाट्सएप के ग्रुप में ही आप सबको भेज दूंगा. एंड साथ ही साथ आपको मैं यहाँ पर भी उनका जो उन्होंने भेजा है मुझे उसको मैं आपके साथ अभी शेयर कर देता हूँ. काइंडली गिव मी जस्ट 2 मिनट्स. एंड रोहित भाई जी, आप कुछ कहना चाहेंगे 2 मिनट के लिए? कृपया अपने शब्द रखिएगा आज के सेशन के बारे में, आपको क्या लगा, कैसे लगा, और हम कैसे और को आगे बढ़ाएं इस चीज को लेकर के. शांति सभी को. शांति. परम प्रीत भाई जी ने जो यो कार्यक्रम शुरू किया, ये जूम तो ये जो लॉकडाउन के टाइम में बहुत हम लोगों ने इसी से सभी को क्लास सुना और क्लास भी कराया. तो आज के ये मुझे थोड़ा कंफ्यूज हो रहा है कि यहाँ पर जो पार्टिसिपेंट है वह सभी बीके है या उसमें कोई नॉन बीके भी है? परमप्रीत भाई जी. हाँ भाई जी, मिक्स है यहाँ पर. अभी हमारे पे 30 पार्टिसिपेंट्स है, तो थोड़े कुछ नॉन बीके चले गए शायद से. बीके का क्लास और नॉन बीके का क्लास में थोड़ा डिफरेंस होता है, क्योंकि जो हम बाबा के बच्चे जो क्लास सुनते हैं और करते हैं, और जो नए नए हैं ब्रह्म कुमारी से रिलेटेड है, 7 डेज कोर्स नहीं किया है, लेकिन उनके लिए थोड़ा यह जो बाबा का क्लास वो अलग होगा. तो हम तो यही आज मैंने यही सीखा है, जीवन में हर परिस्थिति भी आए, कोई भी घटना घटे, हर समय प्रॉब्लम के साथ साथ उसका समाधान भी जन्म होता है, और हर बातों में सकारात्मक रहे, और सकारात्मक रहने से अपने आप पर उसका असर तो पड़ ही जाता है, लेकिन
प्रकृति पर दूर दूर तक वो सकारात्मक की ऊर्जा वाइब्रेशन के रूप में जाते हैं। इसके लिए थोड़ा समय एक मिनट में एक ट्रिप्स आपको बताऊंगा। सबसे पहले तो मैं अपने दिमाग को ठंडे रखे, क्योंकि कभी कभी क्या क्या लोगों को सुनना पड़ता है, क्या क्या समस्या आती है, तो वो भूल जाते हैं कि इस मिजाज को कैसे हमें ठंडे रखने। तो विपरीत परिस्थिति में भी धैर्य रखना पड़ता है, क्योंकि विपरीत परिस्थिति में अगर हम धैर्य को खो देंगे तो वह सकारात्मक सोच उसके ऊपर नहीं आएगा। तीसरा, स्वयं को शांत रखना है और मुखड़ा हर्षित मुख रखना है, शांत और हर्षित मुख। और यह देखना है कि हर उसमें पॉजिटिव, आधा गिलास भरा हुआ ही देखो, आधा खाली नहीं देखना है जीवन में। कभी भी बुरा मत करना, बुरा मत सोचना, बुरा मत बोलना, यह बात से हम पूरा अलग रहे। और गलत संगत से बचिए, क्योंकि सकारात्मक करने के लिए संगत का भी प्रभाव पड़ता है। तो इसके ऊपर तो बहुत क्लासेज होते हैं। और पहले तौलिए फिर बोलिए, और समरसता, पहले हंसिए और हर्षित मुक्त होकर के बोलिए। यह भी जीवन में एक कला है, बाबा ने तो ये सिखाया है। और जिसके मन के ऊपर सकारात्मक होता है तो फिर उसके चेहरे से काफी पता पड़ जाता है। लोगों के बोल न बोले, जीवन ही बोले, तो ऐसे हमें बनाए। इस दिवाली पर सभी को मंगलमय शुभकामना हो, और जीवन में बहुत उन्नति प्रगति हो, ये मतलब आध्यात्मिक उन्नति प्रगति सभी की हो। इसके बहुत भारी शुभकामनाएं सभी को। ओम शांति। ओम शांति भाई जी, थैंक यू सो मच। एंड 6:30 हो गया है, आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। हमारा सत्र टाइम पर हम कंप्लीट कर रहे हैं। आप सबसे फिर हम अगले सैटरडे को मिलेंगे, और भी लोग यहाँ पे ज्वाइन करें आपके थ्रू, उनका भला करें आप। इसके साथ ओम शांति। थैंक यू सिस्टर, थैंक यू भाई जी, थैंक यू ऑल द पार्टिसिपेंट्स, थैंक यू, थैंक यू, ओम शांति, ओम शांति सोनम दीदी, ओम शांति, थैंक यू, थैंक यू, साइनिंग ऑफ नाउ।